दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे में घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। तेज बारिश की वजह से हादसा हुआ था और टर्मिनल वन की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा था। एक कार के दबने की भी तस्वीर सामने आई थी और एक शख्स की दुख की बात यह है कि मौत हो गई है। मौजूद वहां पर और भी कई कारें खड़ी थी जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। तेज बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दुख की बात यह कि जो कार दबी थी एक शख्स की मौत हो गई। देखिए, ये बेहद दुखद घटना कही जा सकती है। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, इस हादसा में 8 लोग के जख्मी होने की और एक शख्स के मौत की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। और जिस तरह से आज सुबह में ही हम जिक्र भी कर रहे थे कि हादसा बेहद कहा जा सकता है कि दिल को झकझोर देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि जो वहां के विजुअल्स हैं उस विजुअल्स को देख के समझा जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा रहा होगा। और जिस तरीके से ये जो लोहे के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो नीचे गिरे हैं और वहां पर कई ऐसी टैक्सी गाड़ियां वहां पे जो मौके पे मौजूद थी वो उस पर दब गए और दबने की वजह से जो कई गाड़ियां जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। 8 लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही एक शख्स की मौत की औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। हालांकि कुछ लोग और भी गंभीर रूप से जख्मी है, इसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, कैसे ये टर्मिनल भरभरा के गिरा है, किस तरह से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया था क्या इसकी वजह रही है, तो इन तमाम मामलों को विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन इस मामले पर जिस तरह से एक जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, तो हादसा पे ये भी देखा जाएगा कि क्या जो लगातार जो बारिश हो रही है क्या ये भी वजह रही है या नहीं। हालांकि देखिए, जो टर्मिनल को बनाया जाता है इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, चाहे वो भूकंप के हैं या बारिश के हैं या आंधी की बात करें, तो इन तमाम जो ऐसे हादसे हैं इससे कैसे जूझा जाए, किस तरह से बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्शन हो, इसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। और ये अपने आप में एक बड़ा एक दुखद घटना कहा जा सकता है कि टर्मिनल दिल्ली का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये बेहद खूबसूरत और एक आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है कहीं कहीं इस टर्मिनल पर भी अब सवाल उठना लाजमी है कि इसकी बुनियाद कैसी रही होगी या किस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। निश्चित तौर पे इस मामले पे आगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और इसके साथ साथ मंत्रालय है इस मामले को बेहद गंभीरता से इस मामले में विचार करेंगे, क्योंकि ये जिस तरह से हादसा देखने को मिला है तो हो सकता है अगर सही तरीके से बुनियाद नहीं रहेगी या सही तरीके से कंस्ट्रक्शन अगर नहीं हुआ होगा तो आने वाले दिनों में भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी जरूर सतर्क हुआ होगा और इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करवा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री को लेकर कोई अपडेट? देखिए, अभी तक इस मामले पे औपचारिक तौर पे कोई जानकारी और स्टेटमेंट जो है साझा नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले पे कई जो अधिकारी हैं वो भी मौके पे ही मौजूद हैं और उनका कहना है ये बेहद दुखद घटना है। इस मामले पर हम लोग राहत और बचाव कार्य के साथ साथ जो अन्य औपचारिकताएं हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट पे वो हम लोग तमाम उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर बयान भी जारी किया जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर बेहद खेद जताया है कि कैसे हुआ है, किस तरह से सारी चीजें हुई हैं, इन तमाम मामलों पर एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस मामले पर उसके बाद औपचारिक तौर पर तमाम बातों को साझा किया जाएगा। शुक्रिया काफी जानकारी साझा करने के लिए शंकर।